आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष। दिल्ली में जीत के बाद जहां आम आदमी पार्टी आज राजधानी का रुख कर रही है, तो वहीं उनके सांसद संजय सिंह जिस तरह से आज पदयात्रा करके बापू भवन के सभागार में अपने नेताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को भाषण देने वाले, जानने को मिलेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा आज जिस तरह से यात्रा निकाली गई है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। राजधानी में आम आदमी पार्टी के द्वारा जहाँ उनके सांसद संजय सिंह का आगमन लखनऊ हुआ है, तो वह उनके कार्यकर्ता भी बड़े धूम जोर शोर से उनका इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से अमौसी एयरपोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा पदयात्रा निकाली गई है, जहां पर पैदल मार्च कर इनके सांसद धनंजय सिंह आए हुए हैं, जहां पर पार्टी के कई पदाधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं। वैसे बाकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य? देखिए, दिल्ली हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और एक देश में नई तरीके की राजनीति की शुरुआत हुई है। तो क्या कहें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है आम आदमी पार्टी की? बिल्कुल, हम राजनीतिक दल है और चुनाव लड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ पे भी चुनाव होंगे। इस तरह का उत्साह है अपने सांसद को लखनऊ आने पर? सर्व हमारे सर्वे सर्वा हमारे लीडर हैं। एक कार्यकर्ता जो अपने लीडर को देखता है तो उससे एनर्जी प्राप्त करता है। क्योंकि स्क्रीन पर हमारे इस वक्त राजधानी का ये नजारा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता यानी दिल्ली से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बढ़िया चुनाव जीत, तो वही उनके सांसद संजय सिंह का आज लखनऊ आगमन हुआ है, जहां पर आम आदमी पार्टी की संख्या काफी भारी दिख रही है। अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है या उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी द्वारा आएगा। जिस तरह से दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने राजधानी का भी रुख किया है। दिल्ली में चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा आज उनके सांसद संजय सिंह का स्वागत लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह का उत्साह है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा संख्या में है, जिस तरह से देख रहे होंगे आप, लंबी संख्या में आपको देखने को मिल रहा है कि अमौसी एयरपोर्ट से बापू भवन तक लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा पदयात्रा की गई। सर, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है अपने सांसद को लेकर? सांसद को लेकर हमको इस तरीके का उत्साह लग रहा है कि दिल्ली तो हुई हमारी, अब यूपी की है बारी। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश की चुनाव की तैयारी है हमारी। तो दिल्ली के तो मुख्यमंत्री केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में कौन होगा? उत्तर प्रदेश में तय करेगा, अब ये हाईकमान तय करेगा। हम कानपुर से हैं, मुजफ्फर जमाल अंसारी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नक्शा हमने खींचा है और शिष्टाचार के पानी से दिल्ली को हमने सींचा है और यूपी है भारत का, यूपी को भी सींचेंगे। दिल्ली जैसे जीती है यूपी भी वैसे जीते ही है। उत्साह आपके सामने है, जनता आपके सामने है, जनमानस आपके सामने है, पूरा उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी को मांग रहा है और बहुत जल्द इंशाल्लाह 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। जय हिंद। जहाँ अपने सांसद को सुनने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता भी व्याकुल है, जहाँ बापू भवन में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो देख रहे हैं कि किस तरह का आगाज होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या 22 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से दिल्ली जीतने की बात इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी? वीरेश मोहित के साथ मैं विक्रम, आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।